बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर टुडेस सेशन ऑन द टॉपिक ऑफ क्लासेस। कल जैसा कि हमने एब्स्ट्रैक्शन के बारे में बात की और मैंने आपको बताया कि एब्स्ट्रैक्शन बुनियादी तौर पे हर यूज़र का अपने लेवल के मुताबिक किसी सिस्टम को देखने का एक व्यू पॉइंट होता है, या फिर एब्स्ट्रैक्शन एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा टूल है जिससे हम कुछ ऐसे इम्प्लीमेंटेशन डिसीजंस होते हैं जिनको डेफर करके हम कम्प्लेक्सिटी को किसी तरीके से मैनेज कर लेते हैं। तो अब इससे जुड़ा हुआ दूसरा टॉपिक है हमारा क्लासेस का। क्लासेस शुरू में हमने पहला जो टॉपिक पढ़ा था वो ऑब्जेक्ट्स का पढ़ा था, तो ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल से बात हुई थी और मैंने आपको ऑब्जेक्ट्स का बताया था कि ऑब्जेक्ट्स क्या चीज़ होते हैं। आज हमने इन्हीं ऑब्जेक्ट्स से जुड़ी हुई एक और चीज़ जिसे क्लासेस कहते हैं वो पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको आपकी रियल लाइफ में से एक कंक्रीट किस्म की एग्जांपल देता हूँ। तो चूंकि ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, उन्होंने देखा होगा अपनी आम जिंदगी में कि जो हमारे ईंटें बनती हैं, ब्रिक्स बनती हैं, इसका प्रोसेस आपने जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर व्यू किया है। तो पहले हम इसी की मिसाल ले लेते हैं, क्योंकि ये हमारी आम जिंदगी से जुड़ी ही मिसाल है, तो आई होप कि ये आपको बहुत फायदा देगी और बहुत आपको इस टॉपिक को, खासकर क्लासेस की डेफिनेशन को समझने में बड़ी मदद करेगी। तो उसके लिए आपने देखा है कि सबसे पहले क्या किया जाता है कि मिट्टी को गूंदा जाता है, उसमें पानी मिलाकर सख्त मिट्टी ली जाती है जो चिकनी होती है, उसको गूंदा जाता है, गूंद के फिर उस मिट्टी, गूंदी हुई मिट्टी को जो लकड़ी के बने हुए सांचे होते हैं, डाइज होती हैं, उनमें डालकर अच्छी तरह से प्रेस करके फिर उन डाइज को उठा लिया जाता है तो कच्ची ईंटें तैयार की जाती हैं। जो कच्ची ईंटें होती हैं फिर उनको सूखने के लिए रख दिया जाता है, फिर उनको पकाया जाता है, तो ये तो फिर उसका अगला प्रोसेस है। लेकिन बुनियादी तौर पर आप देखें कि एक ईंट जो है उसकी शक्ल कैसे बन रही है। वो एक डाई है, वो एक सांचा है, उस सांचे में मिट्टी को डाल के अच्छी तरह से उसको प्रेस किया जाता है और सांचे को बंद करके फिर उसको उठा लिया जाता है। अब एक सांचा एक कारीगर के पास है और उसके पास मिट्टी है, रॉ मटेरियल है और सांचा है, और वो उस रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए सांचे के साथ एक ही शक्ल की और एक ही जिसामत की एक से ज्यादा ईंटें कच्ची बनाता जाता है। तो अब आप इसी मिसाल को देखते हुए हिसाब लगाएं कि एक सांचा इस्तेमाल हो रहा है, सांचे की खुद अपनी शक्ल भी उस ईंट की तरह ही होती है, लेकिन वो ईंट नहीं होता। ये बात काबिले गौर है, वो ईंट नहीं होता। हम उस सांचे को उठाकर किसी दीवार में चुनाई के तौर पे नहीं लगा सकते, लेकिन वो सांचा जो है वो हमें कच्ची ईंटें तैयार करने में मदद जरूर करता है। अब देखें इस मिसाल को हम लिंक करने की कोशिश करते हैं ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के साथ। बिल्कुल इस सांचे की मिसाल ले लें जिससे आपकी ईंटें बन रही हैं कच्ची, बिल्कुल इसी तरह से ये सांचा है, ये हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लासेस का काम करता है। और सांचे से निकलने वाली जो कच्ची ईंटें हैं वो ऑब्जेक्ट्स हैं। तो सांचा क्लासेस हो गई या क्लास हो गई, और क्लास से निकलने वाली जो कच्ची ईंटें हैं यानी सांचे से निकलने वाली जो कच्ची ईंटें हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट्स हो गए। कैसे? तो पहले हम क्लासेस को डिफाइन करते हैं, तो फिर आपको ये जो मैंने एग्जांपल दिए आपको, तो इससे आपको रिलेट करने में आसानी रहेगी। व्हाट इज अ क्लास? क्लास हमारी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है इसका एक बिल्डिंग ब्लॉक है। इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही
नेसेसरी ये टर्मिनोलॉजी है और ये चीज है। सी प्लस प्लस में क्लास ही तो वो चीज है जो सी प्लस प्लस को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का टच देती है। अगर सी प्लस प्लस के नुक्ते नजर से बात करें बच्चों, तो ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। वैसे तो आपको पता है, आपने सी और सी प्लस प्लस की डेटा टाइप्स पढ़ रखी हैं, जैसे इंट है, शॉर्ट है, चार है, डबल है, फ्लोट है, लॉन्ग है, ये सारी डेटा टाइप्स आपने पढ़ रखी हैं। लेकिन ये जो क्लास है, ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। ये कैसी डेटा टाइप है? बिल्कुल स्ट्रक्चर्स की तरह। स्ट्रक्चर्स भी बुनियादी तौर पे अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स होता है, लेकिन क्लास में और स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस ये होता है कि क्लास ना सिर्फ इसके अंदर आप डाटा मेंबर्स को होल्ड कर सकते हैं, बल्कि इसके अंदर मेंबर फंक्शंस भी आप लिख सकते हैं। तो चूंकि मैंने आपको शुरू में ऑब्जेक्ट्स का बताया कि ऑब्जेक्ट बुनियादी तौर पे आम जिंदगी की किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी एक खास स्टेट होती है और एक बिहेवियर होता है। स्टेट से मुराद उसके एट्रीब्यूट्स यानी डाटा मेंबर्स, और जो उसका बिहेवियर है उससे मुराद उसके फंक्शंस और एक्टिविटीज हैं। तो हम क्लास को एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप के तौर पे सी प्लस प्लस में ले रहे हैं, जिसके अंदर आप अपने डाटा मेंबर्स भी डिफाइन कर सकते हैं और मेंबर फंक्शंस भी लिख सकते हैं। ये किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? ये डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस, इनको एक्सेस करने के लिए आप क्लास को इंस्टेंशिएट करना पड़ता है आपको। आप उस क्लास के इंस्टेंसेस क्रिएट करते हैं। इंस्टेंस से मुराद बिल्कुल वही मिसाल जो मैंने आपको दी है कि सांचे से जैसे ईंटें बन रही हैं, बिल्कुल क्लास से ऐसे ऑब्जेक्ट बनेंगे। आप उनके इंस्टेंसेस बनाएंगे, यानी उसके क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जाएंगे, बिल्कुल इस तरह से जैसे एक ब्लूप्रिंट होता है, यानी एक नक्शा होता है, और वो उस नक्शे से फिर मुख्तलिफ सर्किट बोर्ड या मदरबोर्ड जिस तरह कंप्यूटर के होते हैं या डायग्राम्स तैयार की जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो डाई है ईंटों की, उससे ईंटें तैयार की जाती हैं। तो क्लासेस से भी इसी तरह से हम ऑब्जेक्ट्स तैयार करते हैं। अब ये बात तो यहाँ क्लियर हो गई कि क्लास बुनियादी तौर पे क्या है, कि ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम यानी एक समुंदर है जिसको हमने कूजे में बंद किया हुआ है, जिसमें हम अपने डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन लिख तो सकते हैं, लेकिन इन डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को हमें एक्सेस करने के लिए किसी ना किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, और वो ऑब्जेक्ट जो है इन्हीं क्लासेस के थ्रू हम बनाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो हमारी क्लास है, क्लास की डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई है, आपने उस एग्जांपल के साथ जो मैंने आपको पहले कोट की उसके साथ रिलेट करते हुए आप समझ गए होंगे कि बुनियादी तौर पे क्लासेस ही वो ब्लूप्रिंट है जिसके जरिए हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और हर ऑब्जेक्ट जो है उसकी अपनी अपनी, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी स्टेट होती है और अपने अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं और अपनी अपनी उसके जो है वो बिहेवियर्स होते हैं। लिहाजा क्लास के अंदर ये सारी चीज़ें डिफाइन तो कर दी जाएंगी, क्लास के अंदर ये सारी चीज़ें जो है इनकी आप प्रोविजन तो रख देंगे, लेकिन इनको आगे चल के आप इस्तेमाल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना पड़ेंगे। तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई कि क्लासेस ही वो हमारे पास, आप समझ रहे हैं, एक डेटा स्ट्रक्चर है, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जिसके जरिए हम ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, और फिर उन ऑब्जेक्ट्स के जरिए हम इन डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को हम एक्सेस करेंगे। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पर, जिसमें हमने क्लास की एक मिसाल देखनी है। जैसे स्टूडेंट एक क्लास हो, तो इसके अंदर डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे अली है, सुहेल है, अनम है, ये डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं। इनमें से हर स्टूडेंट कोई मैथ पढ़ रहा है, कोई फिजिक्स पढ़ रहा है, कोई केमिस्ट्री पढ़ रहा है, लेकिन हैं सारे स्टूडेंट्स। तो हम ये कहेंगे कि अली, अनम और सुहेल ये ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके अपनी अपनी इनकी खूबियां और इनके बिहेवियर, यानी इनकी अपनी अपनी स्टेट और अपने अपने इनके अपने अपने एट्रीब्यूट्स और अपने अपने इनके फंक्शंस हैं, लेकिन ये एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं जिसका नाम है स्टूडेंट। हम ये भी कह सकते हैं कि अली, अनम और सुहेल ये इंस्टेंसेस हैं,
स्टूडेंट क्लास के। तो अब डेफिनेटली अली जो होगा उसका अपना नाम है, उसकी अपनी पहचान है, उसकी अपनी डेट ऑफ बर्थ है, उसके यानी एट्रीब्यूट्स अपने हैं। इसी तरह से अनम के अपने हैं, सोहेल के अपने हैं, लेकिन लेकिन ये सारी चीजें कहाँ पे अवेलेबल हैं, आप कहाँ से एक्सेस कर रहे हैं? एक ही क्लास से, जिसका नाम है स्टूडेंट। यानी क्लास ऊपर आप एक ही बनाएंगे, बिल्कुल जैसे ईंटों को निकालने के लिए, मैं बार बार मिसाल दे रहा हूँ, ईंटों को निकालने के लिए एक डाई इस्तेमाल कर रहे हैं, ईंटें उससे निकलती जा रही हैं, लेकिन डाई एक है। बिल्कुल इसी तरह से क्लास एक ही है स्टूडेंट, लेकिन उसमें से मुख्तलिफ खूबियों वाले और मुख्तलिफ बिहेवियर्स वाले आप इंस्टेंसेस यानी ऑब्जेक्ट्स और यानी स्टूडेंट्स जो है वो आप बना सकते हैं। तो इन एग्जाम्पल से आपको मजीद क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसी तरह से टीचर क्लास की एक एग्जाम्पल देख लें कि आसन है वो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, आमिर साहब हैं वो आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं, या फर्ज करें आप मेरा नाम ले लें, और आतिफ साहब हैं जो आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं, तरह दस दिन स्लाइड्स में यही नाम है। तो ये तीन आपको असातिज़ा हैं जो मुख्तलिफ मजामीन पढ़ा रहे हैं। इन तीनों की शक्लें, इन तीनों के नाम, इन तीनों की प्रॉपर्टीज, इनके बिहेवियर्स डिफरेंट हैं, लेकिन ये एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं। इस क्लास का नाम है टीचर। हम कह सकते हैं कि ये सारे टीचर क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं या इंस्टेंसेस हैं। अब हम आ जाते हैं कि हम ग्राफिकली किसी क्लास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम क्लास डायग्राम बनाना चाहते हैं, ये यूएमएल की बात हो रही है, जो कि हमने आगे चलकर इंशाल्लाह कंप्यूटर साइंस में एडवांस कोर्सेज में हम पढ़ेंगे कि एक क्लास को अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे। इसकी दो शक्लें आपको यहाँ पर दिखाई गई हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन शेयरिंग में मेरे पास जो स्लाइड्स हैं कि इसमें इसको नॉर्मली कैसे जाहिर किया जाता है। इसको नॉर्मली आप क्लास का नाम ऊपर लिखते हैं, एक यानी रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, उसके अंदर क्लास का नाम ऊपर आ जाता है और नीचे वाले खाने में उसके एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं और उससे नीचे उसके ऑपरेशंस आ जाते हैं। नॉर्मली तो क्लासेस को इसी तरह से जाहिर किया जाता है, लेकिन अगर आप इसकी एक शॉर्ट फॉर्म देखें तो आप देखें सप्रेस्ड फॉर्म में आप देख रहे हैं कि क्लास का सिर्फ नाम लिखा गया है और एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसमें उसका नाम लिख दिया गया है। तो ये भी तरीका है कि आप क्लास को जाहिर कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा जो पॉपुलर तरीका है और ज्यादा जो कन्वीनियंट तरीका है वो यही नॉर्मल फॉर्म वाला है, जिसमें आप क्लास का नाम देख रहे हैं और उसके नीचे उसके एट्रीब्यूट्स हैं और उसके नीचे जो खाना है उसमें उसके ऑपरेशंस या मेंबर फंक्शंस हैं। तो उम्मीद है कि ये भी हमारी चीजें, ये जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है, ये आपने देख ली होगी और ये आपको क्लियर होगी। इसकी मिसाल ले लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम है सर्कल। तो सप्रेस्ड फॉर्म में यानी मुख्तसर फॉर्म में तो हम एक ही रेक्टेंगल के अंदर सिर्फ सर्कल लिख देंगे तो ये हमारी क्लास रिप्रेजेंट हो गई, लेकिन अगर इसको नॉर्मल फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करें तो सर्कल यानी क्लास का नाम ऊपर आ जाएगा, उससे नीचे जो खाना है, उसके नीचे जो बॉक्स है उसमें इसके एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, यानी सेंटर और रेडियस, ये दो इसके एट्रीब्यूट्स हैं। आपको पता है हर दायरा जो होता है उसका कोई ना कोई मरकज होता है और उसका कोई ना कोई रदास या रेडियस होता है, तो ये दो इसके एट्रीब्यूट्स हैं। उसके बाद हम किसी सर्कल को जब ड्रा करते हैं तो ड्रा करने का जो फंक्शन है उसका नाम हमने रखा है DRAW ड्रा, तो उसको हम बिहेवियर में या मेंबर फंक्शंस में ले जाएंगे, सर्कल को ड्रा किया जाता है। और उसके बाद सर्कल का एरिया मालूम करने के लिए हमने फार्मूला इस्तेमाल करना होता है, तो कंप्यूट एरिया एक ऐसा फंक्शन हो जाएगा जो इस क्लास का मेंबर फंक्शन कहलाएगा। तो आप देखें कि हमारे पास जो ये सर्कल क्लास है इसमें हमारे पास ये सेंटर में सेंटर और रेडियस, ये इसके एट्रीब्यूट्स या वेरिएबल्स हैं, इसको डाटा मेंबर्स भी कह सकते हैं, और ड्रा और कंप्यूट एरिया, ये दो फंक्शंस हैं जिनको मेंबर फंक्शंस कहते हैं। तो ये एक एग्जांपल है। इसी तरह से पर्सन, पर्सन हमारे पास एक क्लास है जिसकी सप्रेस्ड फॉर्म में तो सिर्फ एक बॉक्स आ रहा है, बॉक्स के अंदर सिर्फ उसका क्लास का नाम है, लेकिन नॉर्मल फॉर्म में हम देख रहे हैं थोड़ी सी इसको ज्यादा एलैबोरेट कर सकते हैं, ऊपर क्लास का नाम है और नीचे उसके तीन वेरिएबल्स या तीन उसके डाटा मेंबर्स हैं जिसमें नेम, एज और जेंडर, ये तीन इसके डाटा मेंबर्स हैं, और ईट और वॉक, ये दो इसके मेंबर फंक्शंस हैं।
उसके बाद हम इसके आखिरी हिस्से की तरफ आज के सेशन के बढ़ रहे हैं, जिसमें इनहेरिटेंस का तस्करा किया गया है। ये आप बात याद रखें कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास जो क्लासेस होती हैं वो बुनियादी तौर पे हमारे पास एक बंदोबस्त होता है जिसके जरिए हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं, इंस्टेंशिएट करते हैं। तो होता यही है कि जो क्लास के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं वो बुनियादी तौर पे जो ऑब्जेक्ट होता है उन चीजों को इनहेरिट करता है। तो इनहेरिटेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपने पेरेंट से मुख्तलिफ खूबियां जो है उनको इनहेरिट करता है। तो और इसके साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी इनहेरिटेड क्लास के अंदर या किसी भी इनहेरिटेड ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी अपनी भी खूबियां हो सकती हैं। ये भी एक बड़ा पॉपुलर कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जिसमें आप एक क्लास से दूसरी क्लासेस जो है बना सकते हैं, एक क्लास से दूसरी क्लासेस को इनहेरिट करवा सकते हैं। यानी आप चाहते हैं कि कोई एक ऐसी क्लास बनाना जिसमें एक पहली वाली क्लास की भी खूबियां हों और प्लस उसमें उसकी अपनी खूबियां भी हों। तो इसके लिए ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट बहुत मौजू है। आपको वैसे तो पता है कि इनहेरिटेंस बुनियादी तौर पे विरासत को कहते हैं। तो विरासत हमेशा अपने वालदैन से, पेरेंट से मिलती है। तो यहाँ पर इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है ये क्लासेस से है कि एक क्लास होगी जिसको पेरेंट क्लास कहा जाएगा, उसकी तमाम खूबियां उसकी जो इनहेरिटेड क्लास होगी या चाइल्ड क्लास होगी उसमें सारी ट्रांसफर हो जाएंगी, प्लस उस क्लास के अंदर आप मजीद भी जो चीजें हैं वो ऐड कर सकेंगे। तो मिसाल के तौर पे हमारे पास क्लास बी है जो कि क्लास ए से कुछ चीजें इनहेरिट कर रही है, तो हम बी को कहेंगे कि ये डिराइव्ड क्लास है और जो ए क्लास है जिससे उसने विरासत ली है उसको हम कहते हैं ये बेस क्लास है। या हम कहते हैं ए क्लास जो है वो पेरेंट क्लास है और बी क्लास जो है ये चाइल्ड क्लास है। यानी पेरेंट क्लास को बेस क्लास कहा जाता है और जो इनहेरिट कर रही होती है उसको डिराइव्ड क्लास कहा जाता है या चाइल्ड क्लास कहा जाता है। अब इस स्लाइड में आप देखें कि पर्सन क्लास जो हमने पीछे जिसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया था, पर्सन क्लास हमारी अगर पेरेंट क्लास है तो नीचे देखें आप उसके तीन किस्म के पर्सन हैं। स्टूडेंट भी एक पर्सन है, टीचर भी एक पर्सन है, डॉक्टर भी एक पर्सन है। तो ये तीनों पर्सन की क्लास से इनहेरिट कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ आपको पता है कि स्टूडेंट की अपनी एट्रीब्यूट्स और अपने इसके बिहेवियर्स होते हैं, टीचर के अपने एट्रीब्यूट्स और अपने मेंबर फंक्शंस, और इसी तरह से डॉक्टर के अपने एट्रीब्यूट्स और अपने मेंबर फंक्शंस होते हैं। तो ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए कि पर्सन क्लास से के नीचे वाली तीनों क्लासेस जो है ये डिराइव्ड है। पर्सन क्लास बेस क्लास है, पर्सन क्लास पेरेंट क्लास है और जो नीचे वाली तीनों क्लासेस हैं वो आपकी डिराइव्ड क्लासेस हैं। इसी तरह से शेप को देख लें कि शेप क्लास आपकी अगर पेरेंट क्लास है तो उससे नीचे जो तीन क्लासेस निकल रही हैं इस मिसाल में वो लाइन है, वो सर्कल है और ट्राइंगल है। ये तीनों भी शेप्स हैं लेकिन इनकी अपनी अपनी भी आपको पता है कि इनकी अपने अपनी एट्रीब्यूट्स और अपने अपने बिहेवियर्स होते हैं, अपने अपने फंक्शंस होते हैं। तो लाइन भी अगरचे एक शेप है, सर्कल भी एक शेप है और ट्राइंगल भी एक शेप है, लेकिन इनकी अपनी भी आगे प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हम इसी स्लाइड तक आज महदूद रहते हैं और यहाँ पर हम अपने जो आज का सेशन है इसको कंक्लूड करते हैं। और अभी मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर रहा हूँ और आप लोगों से अभी क्वेश्चंस ले लेते हैं या हम इसको क्वेश्चंस वगैरह ले लेते हैं या अभी हम इसकी जो माइनर डिस्कशन है वो ले लेते हैं।